दिवाली के अवसर पर हिमाचल प्रदेश मिल्क फेडरेशन द्वारा तैयार की गई मिठाइयों की बिक्री हेतु सेरी बाजार में विक्रय केंद्र स्थापित किया गया है, जिसका शुभारंभ पुलिस अधीक्षक गुरुदेव शर्मा द्वारा किया गया। मिल्क फैट द्वारा शुद्ध देशी घी से तैयार की गई मिठाइयों का विक्रय केंद्र लोगों को राहत प्रदान करता है। मिल्क फेडरेशन की ओर से चंद्रशेखर ने बताया कि वर्ष 2007 से विक्रय केंद्र स्थापित करता आ रहा है, जिसमें हर प्रकार की मिठाई उपलब्ध रहती है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के साथ साथ मंडी जिला, मंडी चक्कर और सेरी बाजार मंडी के अतिरिक्त अधिकृत दुग्ध एजेंटों द्वारा भी मिठाइयों का विक्रय किया जाता है। मिल्क फेडरेशन हर वर्ष जो है शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ लेके जो है वो बाजार में आती है। विगत 10-11 वर्षों से मिल्क फेडरेशन जो है वो मिठाई का कारोबार अपना शुरू किया हुआ है, जिससे प्रदेश के लोगों को अच्छी किस्म की अच्छी गुणवत्ता वाली मिठाई मिले। आजकल त्योहारों के सीजन में ये पता नहीं चलता कि जो मिठाई बन रही है वो खोआ कैसा है, जो बाहर से मावा आ रहा है वो ठीक है या गलत है। तो इन चीज़ों को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया था कि मिल्क फेडरेशन जो है वो मिठाइयाँ बनाएं और लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाली चीज़ें उपलब्ध कराएं। उसी को देखते हुए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मिल्क फेडरेशन ने जो है वो निम्न प्रकार की मिठाइयाँ यहाँ पर उतारी हुई हैं मार्केट में। इस बार हमने एक मिठाई चना रोस्टेड बर्फी जो है वो नई आइटम लेके आए हुए हैं, जो काफ़ी लोगों द्वारा पसंद भी की जा रही है, जहाँ जहाँ हमने सैंपल भेजे। तो मैं एक बार पुनः मीडिया के माध्यम से आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, वैसे तो हिमाचल मिल्क फेडरेशन का दूसरा नाम ही गुणवत्ता है। मिल्क फेडरेशन ने कभी भी क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया। आज एक बार पुनः उसी गुणवत्ता को बरकरार रखते हुए हम अपने देसी घी की मिठाइयाँ मार्केट में उतारे हैं। सभी लोगों से निवेदन है कि वो एक बार यहाँ पर जरूर आएँ। जो लोगों ने आज तक कभी अगर मिठाई नहीं ली, ऐसा कोई भी आदमी होगा जिसने हिमाचल मिल्क फेडरेशन की मिठाई नहीं ली होगी, नहीं तो लोगों ने इतनी पसंद की है, उससे हमारा हौसला भी बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।